वेलकम स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन थ्योरी ऑफ लॉज ऑफ मोशन हमने पिछली बार मोमेंटम के बारे में और चेंज इन मोमेंटम और फोर्स की डायरेक्शन पर बात कर ली थी और तब मैंने आपसे कहा था हम बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तो स्टेटमेंट तो शायद आपको सबको ध्यान होगा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन यही हमारी बात है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन अब इसमें पहला सवाल यह आता है कि अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर भी हैं ऑपोजिट भी हैं तो ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं कर जाती है? ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि एक्शन और रिएक्शन वाई डोंट दे कैंसिल तो उसका बहुत ही साधारण सा बहुत ही सिंपल सा आंसर है जिसको आपको माइंड में हमेशा रखना चाहिए कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पे काम करता है अगर मैंने एक मेज के ऊपर जोर से हाथ मारा तो मेज में डेंट पड़ गया लेकिन मेरे हाथ पर जो चोट लगी है वो अलग है तो मेरे हाथ की चोट को आप मेज के डेंट से इक्वेट नहीं कर सकते बिकॉज दोनों अलग अलग बॉडीज पर है यही सबसे महत्वपूर्ण बात है लॉज ऑफ मोशन की थर्ड लॉ मोशन की इसके साथ पुराना लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम जिसका मोमेंटम कंजर्व होता था वो साथ में यहां यूज होता है क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं तो कभी सिस्टम के अंदर नेट फोर्स जीरो बन गई और यही आपका प्रिंसिपल था कि कहीं पर बाहर से अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो आपका मोमेंटम कॉन्स्टेंट या कंजर्व रहेगा यही आपका पुराना फॉर्मूला था आइए इस लॉज ऑफ मोशन में कहने को तो ये थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल सा सीधा सा लॉ है लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है और इसी पर बहुत से क्वेश्चन भी आते हैं और सच में कहा जाए जैसे मैंने आपको पहले कहा सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ उससे सब निकलता है लेकिन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है आइए थोड़ा थोड़ा उसको समझते हैं एक शब्द समझिए इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं आपने केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम पढ़ा है आगे भी पढ़ेंगे फिजिक्स में भी कई पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का इक्विब्रियम इलेक्ट्रिकल इक्विब्रियम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विब्रियम कह सकते हैं तो इक्विब्रियम की बेसिकली मतलब क्या इक्विब्रियम का मतलब है कि अब हमारे पास इक्वालिटी आ चुकी है और इस चीज ने या इस स्टेट ने अब फर्दर नहीं बदलना सो मैकेनिकल इक्विब्रियम आप कह सकते हैं जहां पर आप कहें कि देर इज नो नेट फोर्स एंड नो नेट टॉर्क कोई भी फोर्स या टॉर्क नहीं बची है क्योंकि अगर फोर्स या टॉर्क बचेगा तो एक्सेलरेशन होना चाहिए तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड पे है तो वो इक्विब्रियम के अंदर है क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है आप देखिए जब आप गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल फूकता है तो पेट्रोल एनर्जी दे रहा है अब आप सोचेंगे हमारी गाड़ी में एनर्जी मिल रही है तो हो क्या रहा है एक्चुअली हो ये रहा है जितनी गाड़ी से मिलने वाली एनर्जी है सड़क पर और एयर ड्रैग से फ्रिक्शन से होने वाले नुकसान के एग्जैक्टली exactly बराबर है तभी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो इक्विब्रियम का मतलब बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स का जीरो होना अब इसके साथ कुछ एक और शब्द समझिए नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल माने परपेंडिकुलर होता है आपको मालूम है बॉडी रेजिस्ट कर रेस्ट कर रही है किसी सरफेस के ऊपर तो जब बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रेस्ट करती है तो सरफेस उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है आप जिस समय बैठकर या आराम करते हुए लेट कर ये इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय आप किसी सरफेस पर बैठे हुए हैं तो आपको एम जी मैंने वेट ऑफ दी अर्थ वेट ऑफ दी बॉडी और योर बॉडी इज वेट दैट मीनस द अट्रैक्शन बाई दर्थ इज देयर वो तो खत्म नहीं हुई अर्थ तो आपको अट्रैक्ट कर रही है लेकिन आप नीचे नहीं गिर रहे हैं क्योंकि आप या तो कुर्सी पर बैठे हैं या बेड पर बैठे हैं या जहां पर भी आप बैठे हैं उसके ऊपर लगने वाली जितनी अर्थ की फोर्स आप पर लग रही है उतनी ही एग्जैक्टली exactly फोर्स आपके ऊपर जिसके ऊपर बैठिया आप उसको लगा रहे हैं अगर मैं हाथ से जोर मार के दीवार को हटाना चाहूं तो दीवार तो नहीं हिट रही है लेकिन दीवार मेरे ऊपर मेरे हाथ के बराबर ही फोर्स लगा रही है तभी हम कहते हैं नेट फोर्स जीरो तो इसमें जो सरफेस की फोर्स होती है नॉर्मल रिएक्शन जब तक सरफेस रहता है तब तक उसके ऊपर फोर्स लगती है उसका नाम नॉर्मल रिएक्शन है और यह रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस ही लगती है बॉडी जब तक मोशन में नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में तब तक नेट फोर्स जीरो हो, वर्टिकल प्लेन में जब तक बॉडी ऐसे ही सिस्टम हॉरिजॉन्टल में नहीं होगी तब तक हॉरिजॉन्टल लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी ये देखिए आपके सामने एक सरफेस के ऊपर हमने एक बॉडी को रखा अब क्या है इस बॉडी के ऊपर जो ग्रीन बॉडी है वो ब्लू सरफेस के ऊपर है तो हो ये रहा है कि एम लग रहा है नीचे और ग्रीन बॉडी के ऊपर एन नॉर्मल रिएक्शन को हम या तो एन से या आर से डिनोट करते हैं ये अपवर्ड लग रहा है अब यहां पर क्या है क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल में तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रही है जो फोर्स लग रही है वर्टिकल प्लेन में और बॉडी वर्टिकल प्लेन में चल नहीं रही है इसका सीधा सा मतलब है एन और एम जी को बराबर होना पड़ेगा इसके लिए इस केस में एन इक्वल्स टू एम जी लेकिन याद रखना हर केस में एन एम जी के बराबर नहीं है ये आप आगे थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम समझेंगे तब आपको और क्लियर होता रहेगा अब एक वर्ड आता है फ्री बॉडी डायग्राम या एफबीडी ये है क्या ये लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को एक तरीके से सॉल्व करने का तरीका है जिसके अंदर आप एक किसी एक बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्सेस को स्टडी करते हो इसमें एक्शन रिएक्शन वाली फोर्सेस भी आ जाती हैं। तो इसीलिए दोनों चीजें एक साथ जुड़कर आप उसको स्टडी कर रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा। तो उसको किस तरह किया जाता है तो एक बॉडी पर लगने वाली सारी की सारी नेट फोर्सेस वहां बनाई जाती है उससे आप इसको करते हैं अब देखिए ये एक सरफेस है इसके ऊपर मैंने एक बॉडी रख दी अब हम जानते हैं कि जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें कुछ वेट है तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है और अब मैं देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहा हूं आपको इसमें वेट देखिए ये ये नीचे की तरफ लग रहा है ये MG के बराबर है और ऐसे ही क्योंकि बॉडी नहीं जा रही इसीलिए ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स लग रही है अब क्योंकि बॉडी वर्टिकल प्लेन देखिए हॉरिजॉन्टल तो फोर्स नहीं रही अब रहेगा सिर्फ वर्टिकल प्लेन तो बॉडी वर्टिकल प्लेन में ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है इसका मतलब ना तो एम जी बड़ा है और ना ही एन बड़ा है तो ये दोनों चीजें बराबर है इसलिए इस केस में MG और N बराबर है याद रखिए अगर एमजी बड़ा हो जाएगा तो बॉडी नीचे चली जाएगी और एन बड़ा हो जाएगा तो बॉडी ऊपर चली जाएगी अब मैं आपको दोनों के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दू देखिए जिस समय आप फ्रेश गिरी हुई स्नो पर पैर रखते हैं या सैंड में पैर रखते हैं या दलदल में पैर रखते हैं दलदल माने मड या मैर इसको बोलते हैं दलदल या सैंड के ऊपर रेत पर पैर रखते हैं बालू पर पैर रखते हैं या फ्रेश गिरी हुई बर्फ पर पैर रखते हैं उस केस में क्या है एन कम हो जाता तभी आपका पैर नीचे धसता है और तब तक धसता जाता है जब तक आपके ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन नीचे का सरफेस सॉलिड होता है तो धीरे धीरे वो सरफेस का जब नॉर्मल रिएक्शन एमजी के बराबर होता है वहां तक आपका पैर धस जाता है इसी तरह जब आप लिफ्ट में बैठे होते हैं जैसे ही आप लिफ्ट को ऊपर जाने के लिए ऑन करते हैं तो रिमेंबर सरफेस आपके ऊपर एमजी से ज्यादा फोर्स लगाता है तभी आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से चलना शुरू करते हैं हालांकि परमानेंटली नहीं चलते जितनी देर में लिफ्ट की स्पीड थोड़ी बढ़ती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है उतनी ही देर तक नॉर्मलेशन बराबर बढ़ेगा और उसके बाद आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है मैंने फोर्स नहीं है आप यूनिफॉर्म स्पीड से जिस समय लिफ्ट ऊपर जा रही है उस समय एन और एम बराबर होगा एक और चीज समझिए अब जब ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाला जो सरफेस बना इसके ऊपर देखिए ये फोर्स लग रही है अब सरफेस नीचे नहीं जा रहा क्योंकि इसके ऊपर ये नॉर्मल का रिएक्शन यहां लग रहा है मैंने आपसे कहा एक्शन रिएक्शन के पेयर होंगे इसमें हमेशा तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वो है वो इस पर नीचे लगेगी लेकिन ग्राउंड इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है नहीं तो ये सरफेस भी गिर जाएगा तो हमेशा इस प्रकार की चीजों का फ्री बॉडी डायग्राम से आप समझेंगे अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आपको बताना चाहता हूं वेइंग मशीन आपने देखी होगी अगर मैं आपसे बिल्कुल लेमेंस लैंग्वेज में पूछूं कि वेइंग मशीन क्या नापती है तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि वेइंग मशीन आदमी का वेट नापती लेकिन यह बात सच नहीं है तो यह मत समझिए कि आप तक आज तक गलत नापते आए हैं मैं आपको स्टेटमेंट बताना चाहता हूं ध्यान से देखिए अगर आप वेइंग मशीन को टेबल पर रखें और हाथ से उसे दबाएं जब आप हाथ से वेइंग मशीन को दबाएंगे तो वेइंग मशीन में कुछ रीडिंग आएगी वो आपके हाथ की रीडिंग नहीं है बल्कि हाथ के द्वारा लगाए गए फोर्स की रीडिंग है तो बेसिकली वेइंग मशीन फोर्स नापती है क्योंकि आप हाथ से फोर्स कम लगाएं फोर्स ज्यादा लगाए रीडिंग कम या ज्यादा हो सकती है सिंपली means आपके हाथ का वजन तो बराबर होगा mg लेकिन आप फोर्स कम लगाएंगे ज्यादा लगाएंगे तो वेइंग मशीन ज्यादा रीडिंग ना पाएगी कम रीडिंग ना पाएगी अब क्या होता है जब आप एक सिस्टम में अर्थ के ऊपर सॉलिड सरफेस के ऊपर वेइंग मशीन रखकर रीडिंग लेंगे तो MG n के बराबर तो बेसिकली वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन ना पड़ा लेकिन उस केस में एम जी और एन क्योंकि बराबर है इसलिए आपको वेट नजर आता है थोड़ा और इलेबोरेट करके आप इस बात को समझिए अगर मैं आपके पैर के ऊपर वेंग मशीन को बांध दू और आपको एक फ्लोर से आस्क यू टू जंप फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर तो ड्यूरिंग द मोशन जितनी देर में आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं उस समय आपके पैर की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी की वजह से वेइंग मशीन की वेलोसिटी दोनों सेम है क्योंकि आप भी जी एक्सेलेशन से नीचे कर रहे और वेइंग मशीन भी जी एक्सेलेशन नीचे कर रही है इसलिए प्रैक्टिकली से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा इसलिए उतनी देर में वेंग मशीन की रीडिंग जीरो होगी तो वेइंग मशीन आपके द्वारा लगाई हुई फोर्स का रिएक्शन नापती है और अगर वो सिस्टम सरफेस रुक जाओ रुका है तो आपको डेफिनेटली वेट ही नाप रहे हैं इसी चीज को अगर मैं वेइंग मशीन को लेकर लिफ्ट में चले जाऊं तो जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट होती है आप देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन विल इंक्रीज वो रीडिंग ज्यादा शो करेगा और जिस समय आप लिफ्ट से नीचे आने की कोशिश करेंगे तो लेकिन होगा ये दोनों फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर क्योंकि लिफ्ट भी एक्सेलरेट होने के लिए पहले तीन चार सेकंड लेती है उसके बाद तो लिफ्ट कॉन्स्टेंट स्पीड पे जाती है उस समय नॉर्मल रिएक्शन एम दोनों बराबर होंगे तो आपको यह समझना है कि नॉर्मल रिएक्शन को बेसिकली हम यहां पर बहुत जरूरी पड़ जाता है नॉर्मल रिएक्शन को यूज करना और यह नॉर्मल रिएक्शन हर सरफेस के ऊपर से आता है अब एक और देखिए जैसे मैंने आपको बताया फोर्सेस हमेशा ऑपोजिट पेयर्स में आएंगी और एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज ये नेवर एक्ट ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट इसीलिए इन दोनों का अपना अपना फोर्स रहता है आप इसको एक और तरीके से समझिए ये देखिए हमने एक शेप बॉडी ली और इसमें मैंने एक सिलेंडर को डाल दिया अब क्या है? सिलेंडर का वेट तो नीचे है सिलेंडर का वेट तो एमजी डाउनवर्ड लगेगा और दोनों नॉर्मल इस पर एफ वन और एफ टू फोर्स लगाएंगे ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हैं। यह एमजी नीचे तो बेसिकली हो क्या रहा है एफ वन दोनों के वर्टिकल कॉम्पोनेंट एमजी के बराबर होंगे अब ये देखिए हमने इसको ये सरफेस लगा दिया ये एफ वन की रिएक्शन फोर्सेस आई हैं अगर आप बॉडी का डायग्राम बनाएंगे स्फेरिकल बॉडी का डायग्राम बनाएंगे तो आप दिखाएंगे mg और ग्रीन वाले एफ वन एफ टू ग्रीन वाले एफ वन एफ टू जो सरफेस लगा रहा है लेकिन यदि आप सरफेस वाला जो सिस्टम है उसका डायग्राम बनाएंगे तो आप येलो वाले एफ वन एफ टू को डायग्राम में बनाएंगे परक समझ लीजिएगा और जब आप कंबाइंड सिस्टम बना रहे हैं तो सिर्फ एमजी लग रहा है फिर तो वो सिस्टम जीरो है कैंसिल क्योंकि आपने उस या सिलेंडर और शेप इस सिस्टम को एक मान लिया है तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा आपको फ्री डायग्राम कैसे बनाने हैं तो अब सेवरल ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स द फोर्स ऑब्जेक्ट अपलाइज रिएक्शन फोर्स फोर्स ऑब्जेक्ट सेपरेटली तो अलग अलग सेपरेट जितनी फोर्सेस लगेंगी उनका उतना ही रिएक्शन होगा हां रिएक्शन के अभाव में बॉडी चलना शुरू कर जाएगी वो एफ एम ए हो जाएगा परंतु ये उस तरह ही चलेगा आई होप आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में कुछ समझ आया होगा एक्चुअली आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझना पड़ेगा इसी से मिलती जुलती एक चीज होती है कनेक्टेड मोशन इसमें भी आपको समझना है कनेक्टेड मोशन मैंने एक मोशन से दूसरी मोशन कनेक्ट दो रस्सियों के बीच दो बॉडीज के बीच में रस्सी से आप उसको खींच रहे हैं हम लोग क्या लेते हैं कि रोप का मास इसमें आइडियल है रोप आइडियल जो है उसका मासलेस रोप है मासलेस से क्या अर्थ होगा मासलेस से फर्क यह पड़ेगा कि आपके जो आपको एक्सेलेशन निकालना है उसमें रोप के मास को आपको नहीं लेना पड़ेगा आइडियल केस में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हम लेंगे वो आपको समझाऊंगा और दूसरी आइडियल रोप की प्रॉपर्टी है कि रोप हमारी इनएक्सटेंसिबल है उसका क्या मतलब होता है कि एक्सेलरेशन बोथ एंड इज सेम एंड आपस में एक दूसरे के कंपैरिजन में नहीं चल रहे हैं लेकिन जो पूरी की पूरी बॉडी चल रही है एक्सेरेशन दोनों का सेम होगा टेंशन क्या होता है हर रोप या रॉड में इंटरनल फोर्स होती है अगर आपने और मैंने किसी चीज को खींचा हुआ है अगर मैं अपने पास से रोप कट करूंगा तो रोप आपकी तरफ जाएगी आपकी तरफ से रोप कट करूंगा तो मेरी तरफ आएगी आइए इसको डायग्राम से और समझिएगा ये देखिए ये हमने एक बॉडी रखी और इस बॉडी के ऊपर मैंने ये रस्सी लगाई और मैंने फोर्स एफ लगाया अब देखिएगा शुरुआत में हमने लिया है एक्सलेन एफ अपॉन एम क्यों क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि रस्सी मासलेस है, है। परंतु अगर आपने रस्सी को एम मास दे दिया तो आपकी एक्सलेशन क्या आएगी ए वन विल बी एफ अपॉन एम प्लस एम तो सब डायग्राम उसी पर प्रवेश पड़ेगा समझ रहे हैं आप तो इसके लिए फर्क आ जाता है हम लोग इस स्मॉल एम को जीरो लेते हैं अब जो रस्सी बनी हुआ आपके सामने अगर आइडियल है आइडियल रस्सी की बात कर रहा हूं तो उसमें क्या है आप टेंशन देखिए मैंने आपको बताया अगर आप मास के पास काटेंगे तो बॉडी इधर जाएगी इधर काटेंगे बॉडी इधर जाएगी तो अब दोनों टेंशन को देखिए ये टेंशन टी वन टी टू है अब या तो टी वन बड़ा होगा या टी टू बड़ा होगा आपके केस में यहां पर टी टू बढ़ा टी वन बढ़ा कुछ भी हो सकता है लेकिन नेट फोर्स टी वन माइनस टी टू होगी अपन इसको लिख देंगे नेट फोर्स मास इनटू एक्स लेकिन जिस समय आपने आइडियल रोप ली है तो मास क्या लिया है? जीरो, इसका मतलब जीरो इनटू ए शुड बी जीरो इससे सीधा मतलब आ गया कि एम जीरो होने के बाद टी वन टी टू को बराबर होना पड़ेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ और फ्री बॉडी और डायग्राम्स और इसके कुछ क्वेश्चन हम लेकर अगली बार आपके सामने हाजिर होंगे इसकी एप्लीकेशन देखिए जो पार्ट है वो हो गया है हाँ थ्योरिटिकल के कुछ क्वेश्चन अब हम अलग से कर सकते हैं लेकिन बेसिकली जो आपके समझने का पार्ट न्यूमेरिकल्स का था वो यहां पर हो चुका है इसको यूज करें टेल यूर फ्रेंड्स इट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट